नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत जारी धरना प्रदर्शन लगातार 12वें दिन भी जारी रहा, जहां इस आंदोलन से जुड़ी समाज सेविका मेधा पाटकर ने डूब प्रभावितों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने की बात कही है। देखिए यह रिपोर्ट। संपूर्ण पुनर्वास और नर्मदा के हक की मांग के लिए एक बार फिर मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां बड़वानी शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई, जिसमें एनबीए के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जहां मेधा पाटकर ने कहा कि पुनर्वास की लड़ाई तो हम वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब भी कई लोग सर्वे में छूट गए हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। वो दिवस है जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा कि 31 जुलाई को पूरे गांव खाली किए जाए, और अगर लोग खाली नहीं करते हैं तो हम पुलिस बल लगाकर राज्य शासन को खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन लोगों ने नहीं माना और 32,000 परिवार उस समय मूल गांव में थे। खैर, उनके सर्वे कुछ गलत निकले, जो डूबने वाले थे वो बच गए और जो नहीं डूबने वाले थे वो खेती टापू बन गई या डूब भी गई। ऐसी स्थिति में लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार को पुनर्वास देते ही रहना पड़ा है, और आज भी कुछ हजार लोग बाकी है, बसाहटों की सुविधाएं बाकी है। दलित आदिवासी गरीबों के घर डूबे हैं, उनके पंचनामे हुए थे, उनको भी घर प्लॉट देना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 60 लाख रुपया के पात्र लोग करीबन सैकड़ों की संख्या में बाकी है, महिलाओं के हक बाकी है। ऐसी स्थिति में आज पुनर्वास के लिए तो हम 36 साल लड़ रहे हैं और 16 अगस्त को 36वां साल पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक नर्मदा का क्या हुआ, लाभों का क्या हुआ, ये भी बहुत महत्व की बात है। लाभ तो पूरे कच्छ सौराष्ट्र तक पहुँच ही नहीं रहे, वो लोग भी आक्रोशित हैं, हमें बुला रहे हैं। और मुख्यमंत्री भाजपा के ही भूतपूर्व सुरेश मेहता, उन्होंने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सरदार सरोवर से 6 करोड़ गुजरात की जनता को फंसाया है, पर मध्य प्रदेश को भी फंसाया है। आज भी मध्य प्रदेश सरकार पुनर्वास में हुए 7,000 करोड़ रुपए खर्च के गुजरात से वापस मांग रहे हैं और 1,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का खर्चा बाकी बता रहे हैं, क्योंकि 100 रास्ते और पुल बनना बाकी है, लेकिन उसके लिए गुजरात मान नहीं रहा है। तो अब दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, मध्यस्थ बिठा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने जब से शिवराज सिंह ने खरीद फोकत करके सरकार बनाई, उसके बाद मध्य प्रदेश की हर वर्ग, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी परेशान हैं और वो अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं। तो सरकार बिल्कुल तानाशाही पूर्ण नगरिया अपनाते हुए किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे तो शासकीय कर्मचारी, चाहे पटवारी संघ हो, चाहे तृतीय वर्ग कर्मचारी हो या द्वितीय वर्ग कर्मचारी हो, सभी की सब आंदोलन पर बैठे हैं। दूसरी जगह जनता की ओर से जैसे आज नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहा है, इनका बसों पुराना विवाद चल रहा है, सरकार ने कहा कि हमने पूरा पुनर्वास कर दिया, लेकिन आज भी देखो कि पुनर्वास अधूरा है और सरकार ने अभी तक इनका पूरी तरह से न पुनर्वास किया है, न इनका व्यवस्थापन सही तरीके से किया है, न उनको प्लाट घर प्लाट दिए, न कॉलोनियों में सही जो बसावटें बनाई उनमें सही तरह से बिजली पानी की सुविधा दी। आज भी हम देखें तो कई लोग टीन शेडों में रहने के लिए मजबूर है, उनका निराकरण भी नहीं आज तक किया। साथ में दलित जागरण संगठन जैसे जो मजदूरी किसानों के मजदूरों के पलायन की समस्या उठा रहा है, लोगों को राशन की समस्या उठा रहा है, उनकी भी पूर्ति नहीं हो रही है। कोरोना परेड में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर व्यक्ति को मैं राशन दूंगा, चाहे उसका बीपीएल में नाम नहीं हो या पात्रता पर्ची नहीं हो, उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े समाज सेवियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लेकर डूब प्रभावितों की आवाज बुलंद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बड़वानी।